तो अगर पैसे नहीं है और वीडियो जाना ही है तो फिर कहीं से पैसे चुरा लो, एक रुपये मांग के लो, मांग के नहीं मिलते तो कहीं से निकाल लो। तो झुंड जब लिखी तब बच्चन सर दिमाग में रख के ही मैंने लिखी थी। सैराट जो मेरी मराठी फिल्म है वो की थी, तो उसके बाद मेरे पास ये आइडिया आया। तो मम्मी डांटती नहीं थी, कह रही खाना मैं जाता था स्कूल, मुझे जो ढूंढ के परेशान हो जाते थे कहाँ गया। मतलब आमिर खान के साथ करने तो कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे ये फिल्म मुझे लगी कर सकता हूँ मैं। नागपुर शहर से जो झोपड़ियाँ हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ से हमने इनको कास्ट किया है। दसवीं पास होकर मैं पुलिस भर्ती हो गया कांस्टेबल। घर वाले तो खुश होंगे कि हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी हो गई। बिल्कुल सब खुश थे, ठीक था। डायरेक्शन में आपको नहीं, डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है मेरे को। एक्टिंग अच्छी लगती है लेकिन वो डरावनी चीज है जरा। ऑब्वियसली हम सब जब छोटे होते तो मम्मी के पर्स से पैसे ले लिए और दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। बिल्कुल ये सब सच है, आपने सच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्में चलेंगी आएंगी जाएंगी लेकिन जिंदगी हमको इतना थ्रेट था कि लोग जिएंगे मरेंगे क्या होगा पता नहीं। मुझे लगा कि अगर बच्चन सर के साथ किसको काम नहीं करना है, लेकिन मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आधी फिल्म देखी थी और क्यूरियसिटी थी, तो उधर से हम दो लोग, दो दोस्त थे, वो कान लगा के आवाज़ सुन रहे थे, बाकी की फिल्म सुन रहे थे। सर के साथ काम करना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, ख्वाब है, इसके आगे क्या करूँ पता नहीं। हेलो एवरीवन, वेल आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री का जो जॉनर है ना वो कम्प्लीटली बदल दिया है और अब बॉलीवुड में एंट्री करी है उन्होंने बड़े पर्दे की बड़ी पिक्चर के साथ। यस आई एम टॉकिंग अबाउट झुंड, और आज झुंड के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब नागराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। सब फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद फिल्म देखी थी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको ना मराठी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्शन का हीरो कहा जाता है और अब आपने बॉलीवुड डेब्यू करा वो भी अमित जी के साथ। सो वॉज इट प्लान कि मुझे ऐसे ही डेब्यू करना है, इस तरीके से ही पहली पिक्चर होगी और अमित जी ही होंगे? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। एक्चुअली मेरा कुछ प्लान ही नहीं था जी, मतलब फिल्मों में आने का भी प्लान नहीं था और बच्चन सर के साथ काम करने का प्लान बन के भी, मतलब आपके मन में होके भी ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही, मतलब जब सैराट जो मेरी मराठी फिल्म है वो की थी, तो उसके बाद मेरे पास ये आइडिया आया और ये कंसेप्ट आया कि ऐसे ऐसी एक कंसेप्ट है। मैंने सोचा, कुछ वक्त लिया और फिर वो कंसेप्ट पे काम करके एक वन लाइनर टाइप लिखा, एक आइडिया मेरा ये किया और सर को जाके सुनाया, सर को अच्छा लगा और फिर फिल्म शुरू हो गई। अच्छा, आपके नाम से ना हमेशा ऐसा एसोसिएट किया जाता है कि आप हमेशा फ्रेश टैलेंट को, रॉ टैलेंट को हमेशा उन्हें चांस देते हो, बट जब झुंड की बात आई तो झुंड में सिर्फ बिग बी नहीं, पोस्टर में इतने सारे लोग हैं, इन्होंने इतना शानदार काम किया है, तो इनको पूरा इकट्ठा करना, इनकी गैंग तैयार करना, झुंड तैयार करना, वो कैसे हुआ? तो झुंड जब लिखी तब बच्चन सर दिमाग में रख के ही मैंने लिखी थी, लेकिन उसके अलावा ये सारे जो बच्चे हैं, इतने सारे किरदार हैं, ये पता नहीं थी कि कौन होंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत ऑथेंटिक ऐसा इनका कास्टिंग होना चाहिए। फिर हमने ना, जो एक्चुअली ये जो बच्चे दिख रहे हैं इसमें से ज़्यादातर नागपुर से हैं और नागपुर शहर से जो झोपड़ियाँ हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ से हमने इनको कास्ट किया है। नागपुर की फिल्म है, नागपुर के लोगों पर बेस्ड है ये फिल्म, तो उधर का ही एक्सेंट आ जाएगा, लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए हमने लगभग 2-3 महीने वहाँ रह के ये सब लोगों का चयन किया, उनको जाके ढूंढा और बहुत सारे बच्चों में से ये कुछ बच्चे हमने चुने। अच्छा नागराज, ये फिल्म जो थी ये यू नो 2 साल पहले ही प्रॉपर रेडी हो गई थी, बट क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे मोस्ट ऑफ द फिल्म जो थी, जो डायरेक्टर सब लोग OTT पे उतर कर आ गए थे, बट आपने OTT पे आप नहीं आके आपने 2 साल तक वेट किया, तो मतलब इतना आपने सोचा था कि नहीं मुझे अगर ये रिलीज करनी है तो मैं पर्दे पे ही रिलीज करूंगा, ऐसा कुछ आपने ऐसे सोचा था? और मैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं भूषण कुमार, सविता जी, बाकी सब लोग, इनको मैं कन्विंस कर रहा था कि ये फिल्म पर्दे की है, पर्दे में देखने को मजा आएगा। अगर फिल्म रिलीज हो रही थी लोगों को लगता है कि OTT पे आ रही है, तो लोग ये लगभग भूल गए हैं, तो वो रिमाइंडर भी था कि बड़ी फिल्म बड़े पर्दे पर, ये रिमाइंडर हमने वो उसके लिए भी ये किया था। अच्छा, मैंने ये भी अभी कहीं पढ़ा है कि आमिर खान के साथ भी आप, उन्होंने आपकी जो सबसे पहली फिल्म थी फैन ड्राइव की फिल्म देखी थी, फर्स्ट फिल्म, और उसके बाद वो उनको इतनी पसंद आई थी, तब से आप दोनों मतलब अच्छे टर्म्स पे हो। हाँ। तो अब इतना बज है मार्केट में कि आप आमिर खान के साथ फिल्म करने वाले हो, सो वाज इट प्लान, मतलब ऐसे मतलब हम सोच तो बहुत पहले से रहे हैं, मतलब मुझे भी करना है, मतलब फैंड्री से लेके तब से हम सोच रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि एक कहानी होनी चाहिए, एक कुछ अच्छा करना है, मतलब आमिर खान के साथ करना है तो कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे ये फिल्म मुझे लगी कर सकता हूँ मैं।
बच्चन सर के साथ, तो एक कहानी कुछ दिमाग में आ जाए, कुछ हो जाए तो ज़रूर करना है। और आमिर सर तो मुझे अच्छे लगते हैं मेरे, और इंडस्ट्री बहुत दोस्त हैं, मुझे सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। आपकी जो पुरानी फिल्म्स भी हो गई, जैसे कि आपकी एक पुरानी जो फिल्म थी आपकी सराट हो गई है, फैन ड्राई हो गई है, पिस्तुया हो गई, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, इन सबके नाम ना बड़े यूनिक से हैं, झुंड भी थोड़ा अलग सा नाम पकड़ा, तो ये जब भी आप नाम लिखते हो तो कोई आपके साथ होता है कि देखो ऐसा नाम लिख लो पिक्चर हिट हो ही जाएगी ऐसा कुछ होता है? आज तक तो जो जितने नाम जितने आपने अभी गिनाए हैं, हाँ, सारे नाम मैंने ही, मतलब ये टाइटल्स मैंने ही ढूंढे, हाँ, वही होता है ना कि आपका टाइटल आपके फिल्म को दर्शाता भी है, और वो एक ही नाम से दर्शाता है, मतलब एक ही नाम है उसके लिए, आप उसके लिए एक पूरा निबंध नहीं लिख सकते कि ये है। तो मैं सोचता हूँ कि वो उसको रिप्रेजेंट भी करे और कैची भी हो, वो अच्छा भी लगे। अच्छा, आप अपनी फिल्मों की शूटिंग भी जो करते हो वो रियल लोकेशन ही चूज करते हो, ज्यादा आप VFX या फिर क्रोमा का आप? अभी तक तो नहीं है, क्या वैसी कहानियां भी नहीं है मेरी, बट अच्छा है क्योंकि वो एक रियल टच ही उस चीज से आता है। सराट में भी सारा लोकेशन जो था वो एकदम रियल था, झूंड में भी रियल था, बट यू नो जब बिग बी के साथ आप शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग हुई थी, तो वो 30-35 अप्रॉक्स जो दिन थे वो नागपुर में रहते, कहीं कोई ऐसा मूवमेंट आया था कि मतलब बहुत मॉब हो रही है, बुलाना पड़ रहा है, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ रही है, हटाना पड़ रहा है? ऐसे नौबत नहीं आई क्योंकि हमने बहुत पहले से ही इसकी खबरदारी रखी, क्योंकि मुझे पता था कि सर आएंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी, हाँ। और लेकिन अपनी जो झोपड़पट्टी का जो लोकेशन देखा हमने, उसको एक्सटेंड करके हमारा सेल बनाया था, और वो मतलब हर तरफ से कहते ना कि हमारी सिक्योरिटी थी, बाउंड्रीज थी, फिर भी वो झोपड़पट्टी है उसको ही एक्सटेंड किया था। मतलब जो रियल झोपड़पट्टी है, आप थोड़ा सा एक 50 कदम चल के जाओ तो रियल झोपड़पट्टी में आप चले जाते, हाँ, थे। और जो जहाँ ज़्यादातर शूट हुआ है वो हमारा सेट है, जो एक्चुअल झोपड़पट्टी किनारे करीब उसको एक्सटेंड करके बनाया है। तो हमारे आर्ट डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया कि वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ झोपड़पट्टी शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। अच्छा, मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि जब आप छोटे थे तो ऑब्वियसली हम सब जब छोटे होते तो मम्मी के पर्स से पैसे ले लिए और दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, ये सब सच है? आपने सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत चोरी कर कहानी उसके बारे में बताओ ना। जब छोटा था तो कहते हैं कि मेरे को स्कूल में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, और फिल्में देखने का बहुत शौक था, और हमारे यहाँ गाँव में 2 थिएटर्स थे छोटे, और बाकी वीडियो सेंटर्स थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 80-90 की, तो मेरा जन्म 1979 का है, 77 का। तो मैं जब 10 साल का रहूँगा, 8-10 साल का, तब से मेरे को शौक है, और बच्चन सर तब से मेरे पसंदीदा है। तो अगर पैसे नहीं है और वीडियो जाना ही है तो फिर कहीं से पैसे चुरा लो, 1 रुपये मांग के लो, मांग के नहीं मिलते तो कहीं से निकाल लो, मांग के छोटी बटवा गए थे ना उसको, थैली, हाँ, तो वहाँ से ले लो, या कहीं रखे हैं वहाँ से ले लो, चुरा लो। और ये भी नहीं होता था तो फिर थिएटर में चुपके से घुसते थे हम लोग, कभी डांटनी पड़ी पकड़ी बहुत बार हमको। एक बार मुझे पता है बच्चन सर की कौन सी फिल्म थी, मुझे याद नहीं अभी, सत्य पे सत्ता या खून पसीना कुछ तो था, मैं अभी भूल गया। तो हमने आधी फिल्म उधर देख ली, फिर हमको जाके जनरेटर रूम में बंद कर दिया, और जनरेटर रूम जब चलता है तो बहुत आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आती थी और थिएटर की कुछ कुछ आवाज़ आती थी। आधी फिल्म देखी थी और क्यूरियसिटी थी, तो उधर से हम दो दोस्त थे, वो कान लगा के आवाज़ सुन रहे थे, बाकी की फिल्म सुन रहे थे। तो भी ऐसे बताइए आपने बिग बी को, मैंने ऐसे ऐसे उनको नहीं, उनको नहीं बताया था क्योंकि उनको बता भी नहीं पाया मैं। लेकिन बहुत बार ऐसे, मतलब हमारे यहाँ वीडियो सेंटर्स में जब शहनशाह रिलीज होने वाली थी तो इतनी बात चल रही थी कि शहनशाह आ रही है, और तब ऐसे वीडियोज, और अभी तो मोबाइल पर आ जाता है जो भी, तब नहीं आता था। लेकिन जो कोई लोग मान लो हमसे बड़े लड़के जो थे, कहीं पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, तो वो हमको सुनाते थे कि शहनशाह आ रही है, ये हो रहा है। तो रात में जब शाम को आप बैठते थे कहीं गलियों में तो ये बातें चलती थी, तो वो इतना क्यूरियसिटी था और इतना ज़्यादा माहौल गर्म था फिल्म को लेके। तो हमारे जो 4-5 वीडियो सेंटर्स थे, वो वीडियो सेंटर्स के मालिक ने टीवी था, मतलब वीडियो सेंटर में तो टीवी लगाते थे और VCR से, वो उस टाइम पे कैसे वही चीज़ थी, और टीवी कम था, मतलब घर घर में नहीं रहता था टीवी। मतलब मान लो 50,000 की अगर जनसंख्या है तो मान लो 100 लोगों के पास भी टीवी नहीं रहता होगा। तो ये टीवी जो 5 थे अचानक से 25-30 हो गए, क्योंकि उन्होंने ही एक टीवी घर खाली कर दिया, हॉल खाली कर दिया, उधर भी टिकट बुक कराए,
और 1 रुपए का टिकट 10 रुपए में बिक रहा था, 10 रुपए ले रहे थे टिकट, क्योंकि पॉपुलैरिटी इनकी बहुत थी। बच्चन सर की फिल्म आ रही है तो, और मुझे पता है मैंने एक ही दिन में लगभग 2-3 बार फिल्म शहंशाह देखी। आपने मतलब 10-10 रुपए करते करते? हाँ, मतलब मुझे बहुत फिल्मों का शौक था बच्चन सर का, तो मैं फैन था, तो ये फिल्म मैंने मुझे बताया। और तेजाब भी बताया, तेजाब तो मैंने देखी और वो उधर ही बैठ गया, उठा ही नहीं, सब लोग उठ के बाहर गए। मैंने फिर तब 10 रुपए नहीं था, 1-2 रुपए थे, फिर देखी उधर ही बैठ गया। और मैं मुझे 12 से 3 दिन 3 से 6 फिर घर, खाना नहीं कुछ नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आता था फिल्म में। मम्मी डांटती नहीं थी कि अरे खाना? मैं जाता था स्कूल, मुझे ढूंढ के परेशान हो जाते थे कहाँ गया। और मैं स्कूल जा रहा हूँ करके जाता था, अपना जो ये है क्या कहेंगे आप, स्कूल के जो किताबें और इसकी थैली थी वो कहीं छुपा देता था। वीडियो सेंटर दुनिया भर घूम के फिर स्कूल के रास्ते, मतलब स्कूल बंक करके अमित जी की पिक्चर्स देखी है सबकी सबकी, और अमित जी की भी बहुत, मतलब क्योंकि तो बहुत ज्यादा से यार, मतलब आप ये सब इतना फिल्म आपने देखा है, इतना क्रेज आपको हुआ, तो आपने तभी से डिसाइड कर लिया कि मुझे डायरेक्टर ही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बनना चाहते थे? मैं तो जो रास्ता आया वो बनना चाहता था। मैं पहले 10वीं जब पास किया, 10वीं तक तो मैं बहुत बिल्कुल नाकारा था और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल ये था, तो 10वीं में मैं फेल हो गया, वो तो होना ही था, सब बच्चे आगे चले गए मतलब दोस्त लोग। तो मुझे कुछ बोर होता था तो पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते मुझे पढ़ने का शौक हुआ और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान आ गया, तो मैं जो साहित्य पढ़ने लगा ये पढ़ने लगा। फिर 10वीं पास हुआ, 10वीं पास होकर मैं पुलिस भर्ती हो गया कांस्टेबल। घर वाले तो खुश होंगे कि हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी हो गई। बिल्कुल सब खुश थे, लेकिन 13 दिन में फिर छोड़ के आ गए। क्यों? तो मन नहीं लगा, तो 13 दिन में आके फिर पढ़ाई शुरू किया। मेरे पिताजी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, अनपढ़ थे लेकिन उनको लगता था कि तू तेरी जो मन की है वो कर, जो भी कर रहा है ठीक से कर। तो उधर पढ़ा, फिर मुझे लगा कि मुझे टीचर बनना है, पहले मुझे कंडक्टर बनना था, फिर वो नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर बन जाता हूँ, एमए कर लेता हूँ। फिर एमए लिटरेचर में किया, मराठी लिटरेचर में किया, एमफिल कर रहा था, तो फिर उधर भी कुछ नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी और कुछ एग्ज़ाम होते सेट नेट, वो नहीं हुआ। तो मेरा एक दोस्त मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, वो टीचर बन गया, वो सेट नेट हुआ था और वो नया नया स्कूल खुला, वो उसका HOD बन गया और वो स्टूडेंट ढूंढ रहा था, हालांकि वो मुझसे छोटा है, तो मैं उसको हेल्प कर रहा था स्टूडेंट ढूंढने में। तो सब स्टूडेंट ढूंढ के कहीं कहीं से लाए हमने, तो मेरे एक दूसरे दोस्त ने आइडिया निकाली तू भी भर्ती हो जा स्टूडेंट। अच्छा, तो एक्चुअली मैं वो उम्र मान लो ना, आपने इतना मतलब पढ़ लिया सब कुछ कर लिया फिर अब स्टूडेंट बनने चले गए, हाँ, कोई वो नहीं था, अभी कुछ हो रही नहीं जिंदगी में, कुछ हो नहीं रहा था। और उन दिनों ये नया था, ये 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ये न्यूज चैनल लिए आए थे, तो उसने कहा कि यार तू कर लेगा तो कहीं रिपोर्टर बन जाएगा, कहीं एडिटर बन जाएगा, कुछ करेगा, लिखता विकता है तो मुझे, मैं कविताएँ लिखता था पहले, मतलब अभी भी लिखता हूँ, कविता लिखने का शौक था। तो मैं बस भर्ती हो गया, एडमिशन ले लिया, बाकी सब लोगों ने मदद की मुझे मेरी फीस भरने के लिए, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, और एक प्रोजेक्ट फिल्म बना दिया पिस्तौल आराम का, तो उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। दो तो यहाँ से आपका, यहाँ से डायरेक्शन वाला जो आपका करियर था एक्सीडेंटली शुरू हो गया, मतलब बनना आप कुछ और चाहते थे और एकदम आप डायरेक्शन लाइन में आ गए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी रितेश देशमुख के साथ आपकी फिल्म आ रही है, तो वो उसका अभी क्या फॉर्मेट चल रहा है? एक्चुअली ना वो काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कोविड के कारण पैंडेमिक ने बहुत सच में बहुत लोगों को बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया। ये फिल्म भी 19 को आनी चाहिए थी, हाँ, और तब आती तो और अच्छा, 2019 में ही, हाँ, ये तभी रिलीज हो जानी, बिल्कुल, मतलब सब खुशहाल माहौल था, ये अभी कोविड ने पूरा दुनिया अपसाइड डाउन कर दिया, बट स्टिल अभी धीरे धीरे चीजें पटरी पर वापस आ रही हैं, है, लोग अब OTT छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, फिल्में ये तो ठीक है, लेकिन जिंदगी ठीक से, मतलब कहते हैं ना पटरी पे आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है। फिल्में चलेंगी आएंगी जाएंगी, लेकिन जिंदगी हमको इतना थ्रेड था कि लोग जिएंगे मरेंगे क्या होगा पता नहीं था, तो अभी सब जिंदगी सुधर रही है ठीक ठाक, कहते हैं ना कि आम जिंदगी हम जी रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या फिर वो भी कर रहे हैं मराठी? कुछ मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और एक्टिंग की है। आपने एक्टिंग करी उसमें? हाँ जी जी। फर्स्ट टाइम आप एक्टिंग करने जा रहे हैं? नहीं, मैं झुंड में भी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ, झुंड में भी ऐसा छोटा छोटा किया था। एक फिल्म मैंने की थी नाड़, जिसमें भी एक मराठी फिल्म है, एक्टिंग किया था, और मैं मेरी फिल्म में भी छोटा छोटा करते रहता हूँ। ये शायद ये 2 फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक, डायरेक्शन में डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है मेरे को, एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन वो डरावनी चीज है जरा। क्यों?
हम मुझे पता नहीं, मेरे को ये नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन मुझे पसंद है। चलिए थैंक यू सो मच नागराज, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, इतना सारा आपने अपनी पर्सनल बातें शेयर करी, एंड आई विश नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम जल्दी मिले और नए फिल्म पे आपके साथ बात करें। पक्का पक्का, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।